खेड़की दौला टोल के हटने का जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके इंतजार को आज एक और झटका लगा है। पता नहीं कब खेड़की दौला टोल हटेगा, लेकिन इस पर क्या है नया वचन वो दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अगर आपको याद हो तो पिछले साल फरवरी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने मानेसर में एक ऐलान किया था कि वो 2021 में जब उन्होंने ऐलान किया था बताया था कि आने वाले 6 महीनों में खेड़की दौला टोल को शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन साल बीत जाने के बाद भी यानी कि 12 महीने बीत जाने के बाद भी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई और शायद ये उम्मीद आने वाले और कुछ समय तक पूरी भी ना हो पाए, क्योंकि आज एक नई तारीख इस पूरे फैसले में मिली है जो कि तारीख दी गई है अब केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। दरअसल नितिन गडकरी ने गुरुग्राम के उन सभी वासियों को एक करारा झटका देते हुए एक नई तारीख का ऐलान किया है और ये बताया है कि जब तक द्वारका एक्सप्रेसवे पूरी तरह से शुरू नहीं हो जाता है तब तक खेड़की दौला टोल नहीं हटाया जाएगा। यानी कि आपने वो फिल्म तो देखी होगी जिसमें सनी देओल डायलॉग मारते हैं कि तारीख पर तारीख आखिर कब मिलेगा इंसाफ। यही अब गुरुग्राम वासी कहने लगे हैं कि आखिरकार कब हटेगा खेड़की दौला टोल। दरअसल आज गुरुग्राम के पचगांव चौक पर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, हरियाणा के मुख्यमंत्री और यहां के सांसद तमाम मंत्रीगण एक कार्यक्रम में पहुंचे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिल्ली जयपुर हाईवे पर कई जगहों पर फ्लाईओवर के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम ये आयोजित किया गया, जिसमें खेड़की दौला टोल को हटाने को लेकर नितिन गडकरी ने ये ऐलान किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सवाल भी है कि आखिरकार द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि साल 2011 से अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर वो 11 सालों में पूरा भी नहीं हो पाया है तो उम्मीद आप छोड़ दीजिए कि खेड़की दौला टोल जल्द ही आप यहां से हटेगा और आपको इससे राहत मिलेगी। आज इस कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि गुरुग्राम के मानेसर में एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाएगा, बिलासपुर चौक पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा, बावल चौक पर एक फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसके अलावा जो एम्बियंस मॉल के पास दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर अंडरपास है, यूटर्न अंडरपास, उसका भी आज शिलान्यास कर दिया गया, उसका लोकार्पण कर दिया गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में आज हरियाणा और राजस्थान की 19 परियोजना जिनकी कीमत लागत 1407 करोड़ है, इनका शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। आपको बात सुनवाते हैं हम नितिन गडकरी की कि उन्होंने खेड़की दौला टोल को हटाने के लिए क्या वचन दिया है। जो एक टोल नाका है, क्या नाम उसका, टोल नाके का, खिड़की, हाँ, तो इसके बारे में, शिफ्टिंग के बारे में बहुत बार मांग हुई, पर द्वारका एक्सप्रेस हाईवे का काम मैं कुछ उल्लेख नहीं करता, आपके कारण ही हुआ। अगर आप वो नहीं बोलते तो ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे नहीं होता। तो मैं आपको निश्चित रूप से ये बताऊंगा कि वो हाईवे का भी हम लोग अभी जल्दी ही पूरा कर रहे हैं और जिस दिन वो खुल जाएगा उस दिन इस टोल नाके को भी शिफ्ट करके वहाँ से निकाल देंगे, ये भी काम पूरा कर देंगे, ऐसा मैं वचन देता हूँ। कैपिटल रीजन NCR को जाम मुक्त चौतरफा कनेक्टिविटी देने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के विजनरी नेतृत्व में कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं मूर्त रूप ले रही हैं, जिनमें प्रमुख हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली से जयपुर की कनेक्टिविटी बेहतर, सुरक्षित एवं सुगम बनाने हेतु 1407 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। आज राष्ट्र को लोकार्पित होने वाली परियोजना है गुरुग्राम शहर के एम्बियंस मॉल के पास NH 48 पर 1.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रेड सेपरेटेड यू टर्न अंडरपास, इससे दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के जाम से निजात मिली है। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं NH 919 तथा NH 48 को जोड़ने वाली धारूहेड़ा से भिवाड़ी के बीच 4.3 किलोमीटर 4 लेन विद सर्विस रोड, जिसमें कापड़ी बास चौक व द्वारकाधीश चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण भी होगा। इससे धारूहेड़ा शहर को जाम से मुक्ति मिलेगी तथा भिवाड़ी से NH 48 के बीच की यात्रा सुगम एवं सुरक्षित होगी।
NH-48 पर 1156 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम से कोटपुतली जयपुर के बीच 17 परियोजनाओं का कार्य, मानेसर में एलिवेटेड रोड, बिलासपुर बावल चौक, जागुवास चौक, बांसूर मोड़, पुतली कट, शाहपुर तिराहा पर 6 फ्लाईओवर तथा देहमी में 1 VUP, मसानी बैराज, सोता नाला, नीलका, भाबरू, खातोलाई पर 5 प्रमुख पुल तथा 2 छोटे पुल का चौड़ीकरण। बिलासपुर में इस राजमार्ग को स्टेट हाईवे क्रॉस करता है और मानेसर में सड़क के दोनों ओर व्यावसायिक प्रतिष्ठान होने के कारण बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लगता था। अब बिलासपुर में फ्लाईओवर और मानेसर में एलिवेटेड रोड बनने से लोगों को जाम से निजात मिलेगी। NH-48 पर राजस्थान और हरियाणा राज्य में सुदृढ़ीकरण और शेष निर्माण कार्य। इन परियोजनाओं के बन जाने से समय और ईंधन की बचत होगी, यातायात को गति मिलेगी, पर्यावरण संरक्षण होगा, पर्यटन, कृषि, उद्योग और व्यापार में इजाफा होगा, साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। जो गुरुग्राम वासी आस लगा रहे थे कि खेड़की दोला टोल जल्द ही गुरुग्राम से शिफ्ट होने वाला है, उनकी आस पर अब साफ तौर पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो डेडलाइन द्वारका एक्सप्रेसवे को शुरू करने की सितंबर 2022 दी गई है, ऐसे में हो सकता है कि ये डेडलाइन और आगे बढ़ जाए और आपको खेड़की दोला में अभी भी टोल टैक्स का भुगतान करना पड़े। अब देखना होगा कि क्या द्वारका एक्सप्रेसवे अपने तय समय पर शुरू हो पाता है, जिसके बाद गुरुग्राम वासियों को खेड़की दोला टोल से राहत मिल भी पाएगी या फिर नहीं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।